हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास एयर, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आई थिंक यू रेडी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में हम प्रेजेंट टॉपिक्स को देख लें कि किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। फर्स्ट सेल, सेल के बारे में पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ सेल, हमें सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है, सेल शेप एंड साइज, हमें सेल की शेप और साइज के बारे में पढ़ना है, सेल नंबर पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमें पढ़ना है। आप प्रीवियस क्लास से ही अपने हम अपने चारों तरफ बहुत सारे थिंग्स को देखते हैं, उसमें से कुछ लिविंग्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग्स होते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। अगर एग्जांपल देखा जाए लिविंग थिंग्स की, तो हम अपने चारों तरफ लिविंग थिंग्स क्या क्या देखते हैं, तो बात कर लेंगे हम, प्लांट्स देखते हैं, काऊ देखते हैं, डॉग देखते हैं, ठीक है, अगर आप कहें तो कैट देखते हैं, और इसमें आप ह्यूमंस देखते हैं। काउ, डॉग, कैट और भी बर्ड्स, चिड़िया, ये एनिमल की कैटेगरी है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स हमारे थ्री है, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन। अब बात करते हैं नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग थिंग्स में आप अपने अराउंड चेयर, टेबल, बुक, पेन और भी थिंग्स आप देखते हैं, तो ये नॉन लिविंग है और ये आपके लिविंग थिंग्स हैं। आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंसेस बहुत आसानी से कर लेते हैं। आप दोनों के बीच में अगर हम पूछे कि क्या क्या डिफरेंसेस है, तो आप बहुत आसानी से बता लेंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज होती हैं। लिविंग, अब हम बात करते हैं कि किस बेसिस पे आप ये कहते हैं कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन लिविंग थिंग्स हैं, चेयर, टेबल, बुक, पेन जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। दैट इज, अगर आप बात कहेंगे तो लोकोमोशन वर्ड आएगा, लोकोमोशन। व्हाट इज लोकोमोशन? लोकोमोशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, कि जो लिविंग थिंग्स के द्वारा किया जाता है। मीन्स लोकोमोशन में जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, इसी को ही लोकोमोशन कहते हैं, कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना ही क्या है, लोकोमोशन है। बट आपने कभी चेयर, टेबल, बुक, पेन या और भी कुछ ऐसे थिंग्स हैं कि जिसे आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हुए आपने देखा है? तो नहीं। हम किसे देखते हैं? लिविंग थिंग्स को देखते हैं, जिसमें कि एनिमल वगैरह होते हैं, ह्यूमंस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब लोकोमोशन एक प्रोसेस है। दूसरी बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, लोकोमोशन जो है वो एनिमल्स और ह्यूमंस करते हैं, प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते। इनमें जो होता है लोकोमोशन, अगर आप कहें तो मूवमेंट कह सकते हैं कि एनिमल और ह्यूमन जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, प्लांट भी मूवमेंट करते हैं। तो प्लांट में जो मूवमेंट पाया जाता है वो ग्रोथ मूवमेंट होता है। ग्रोथ मूवमेंट, जो आपने प्लांट को देखा कि स्टीम पार्ट जो होते हैं प्लांट के, वो ग्रोथ करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगर आप कोई प्लांट लगा दें तो आप देखेंगे आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ प्लांट जो है आपका धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो वो जो ग्रोथ करता है उसको ही हम ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। तो प्लांट भी मूवमेंट करते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो आपको पता है ये न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है, जो आपके ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड लिया जाता है उसी को तो न्यूट्रिशन कहते हैं। तो प्लांट्स के पास भी न्यूट्रिशन है, एनिमल्स के पास भी न्यूट्रिशन है, ह्यूमंस के पास भी न्यूट्रिशन है। क्या आपने कभी चेयर, टेबल वगैरह को फूड वगैरह खाते हुए देखा है? नहीं ना। तो ये क्या है? नॉन लिविंग है। थर्ड प्रोसेस की अगर बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। आपने काउ को बच्चा देते हुए देखा है, ठीक है, डॉग को भी आपने ही देखा है, उनके भी बच्चे होते हैं। लेकिन क्या चेयर वगैरह अपनी तरह चेयर वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे कि काउ वगैरह अपने तरह काउ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन क्या चेयर वगैरह अपने तरह चेयर, टेबल, बुक वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? नॉन लिविंग है।
तो ये प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, कि जो किसके द्वारा किए जाते हैं, लिविंग थिंग्स के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि लोकोमोशन हो गए, न्यूट्रिशन हो गए, रिप्रोडक्शन. लोकोमोशन में हम मूवमेंट की भी बात कर सकते हैं, न्यूट्रिशन हो गए, रिप्रोडक्शन हो गए. फोर अगर बात करते हैं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में जो है वो इसमें सांस लिया जाता है, सांस को छोड़ा जाता है, मींस ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट होता है. हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं. तो ये आपका है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, अगर करते हैं, ठीक है. अब आप ये ऑलरेडी आपने ये देखा है कि जो हमारे अराउंड जो थिंग्स होते हैं, ठीक है, वो मैटर से मिलके बने हुए हैं, और मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं. तो लिविंग जो थिंग्स हैं, तो ये भी अगर आप कहेंगे कि क्या ये भी स्मॉलेस्ट एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक एटम की तरह ही बने हैं, तो लिविंग थिंग्स भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं क्या? तो हाँ भाई, इस लिविंग थिंग्स भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है. अगर मैं कहूँ आप, ठीक है, अगर एक बिल्डिंग की बात करते हैं, तो बिल्डिंग में क्या क्या होता है, या मैं आपके वैसे कहूँ, आप अपने घर को देखते हैं, आपके अपने घर में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, रूम्स पाए जाते हैं, और ये रूम्स किससे बनते हैं, वॉल से बनते हैं. किससे बनते हैं, वॉल से बनते हैं. वॉल्स किससे बनते हैं, ब्रिक्स से बनते हैं, ठीक है, ब्रिक्स से बनते हैं. वॉल्स किससे बनते हैं, ब्रिक्स से बनते हैं, मीन्स कि ब्रिक्स के ही हेल्प से आपका एक हाउस बनता है. ब्रिक्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज होते चले जाते हैं, और एक के ऊपर अरेंज होते चले जाते हैं, और उस तरह से ये फॉर्मेशन किसका करते हैं, वॉल्स का. जब वॉल्स बन जाते हैं, तो चार वॉल्स, फिर रूफ, फिर आपके फर्श, इस तरह से बन मिल करके क्या बनाते हैं, ये रूम्स बनाते हैं, एक रूम फॉर्मेशन करते हैं. रूम्स जब कई सारे रूम्स बन जाते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, हाउस. इधर भी समझ सकते हैं आप इस तरह से, कि जैसे देखिए ब्रिक्स है, ठीक है, एक ब्रिक्स एक ब्रिक्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज होते हुए चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हुए चले जाते हैं इस तरह से, और ये अरेंज होकर के फॉर्मेशन करते हैं किसका, वॉल्स का. जैसे वॉल्स बन गए, ठीक है, कई तरह के वॉल्स बन गए. अब ये वॉल्स जो बनते हैं, ये फॉर्मेशन किसका करते हैं, रूम का, एक रूम का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर कई सारे रूम्स बन जाते हैं इस तरह से, कई सारे रूम्स बन जाते हैं. और जब कई सारे रूम्स बन जाते हैं, तो वो फॉर्मेशन किसका करते हैं, एक हाउस का, एक बड़ी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. तो वैसे ही कुछ हमारी बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी, अगर हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में आकर करता है, वो कहाँ पे आकर करता है, तो हमारे लंग्स में आकर करता है. हार्ट जो होता है, वो हमारे ब्लड की पंपिंग करती है. आप हार्ट जानते ही हैं, हार्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का. स्टमक, स्टमक आप जानते हैं, हमारे यहाँ पे हमारे फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है. उसी तरह अगर आप बात करेंगे लंग्स की, लंग्स के हेल्प से हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो ये हमारे क्या है, ऑर्गन है, ठीक है. और ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, अब ये ऑर्गन जो है, ये ऑर्गन किससे बने हैं, टिश्यू. ये आर्गन किससे बने हैं, टिश्यू से बने हैं. टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल से. तो अब यहाँ पे ये है कि सेल जो होते हैं, वह सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. देखिए, हम यहाँ पे एक सेल ले लेंगे. अब कई सारे सेल जब आपस में मिलते हैं, कई सारे सेल आपस में जब मिलेंगे, तो वो फॉर्मेशन करते हैं किसका, टिश्यू का, ठीक है. तो कह सकते हैं कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है. कई सारे सेल मिलके क्या, किसका फॉर्मेशन करेंगे, टिश्यू का. अब जब कई सारे टिश्यू मिल जाते हैं, सपोज यहाँ पे ये टिश्यू है, अब जब कई सारे टिश्यू मिल जाएंगे, तो वो फॉर्मेशन किसका करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं. अब जब कई सारे ऑर्गन आपस में मिक्स हो जाते हैं, कई सारे ऑर्गन
मिल करके फॉर्मेशन करते हैं आर्गन सिस्टम का। और आर्गन सिस्टम जो है वो एनिमल बॉडी या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो एक तरह के सेल जैसे कि सपोज यह सेल है, ये सेल है और ये सेल, तो ये सेल, ये तीनों सेल जो हैं वो एक तरह के हैं, सिमिलर हैं। और ये जो है, ये तीनों जो है वो एक तरह, तो ये जो सेल है ये तीनों एक तरह के हैं, तो ये एक तरह के टिश्यू का आपस में मिल करके ये टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, और ये सारे मिल करके अलग टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो होते हैं, जब टिश्यूज बन जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जो होते हैं टिश्यूज जो होते हैं वो मिल करके आपस में कंपोज होके क्या फॉर्मेशन करते हैं, आर्गन का, आर्गन मिल करके आर्गन सिस्टम का, और इस तरह से एनिमल। तो अब बताइए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे स्मॉलेस्ट है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, ओरिजिन कहाँ से हुई, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, जो शरीर है, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से फॉर्म हुआ, सेल, कहाँ से फॉर्म हुआ, सेल, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, सेल। यहाँ तक कि हम जो ह्यूमन है, हम ह्यूमन जो हमारी भी ओरिजिन जो है वो स्टार्टिंग हुई है किससे, सेल से, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं कि बच्चा पैदा हो गया, लेकिन जो बच्चा बनता है कैसे, वो एक सिंगल सेल से, सिंगल सेल कैसे, जायगोट, जायगोट बनते हैं, फिर जायगोट से बनता है एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और इस एम्ब्रियो से फिर ये फॉर्म होते हैं एक चाइल्ड के फॉर्म में, चाइल्ड, फिर वो चाइल्ड जो होता है वो जन्म लेता है, उसके बाद से वो धीरे धीरे ग्रोथ करते करते फिर एक ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिन होती है वो सेल होती है। तो हमें इसी सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल क्या है, कहाँ से ये आया सेल। तो आप के बुक का जो सेकंड चैप्टर है सेल के बारे में बताया गया। तो अब आप समझ गए हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने, उनकी ओरिजिन क्या है, सेल से होती है। अब देखिए, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शंस करते हैं, हमने यहाँ पे कुछ फंक्शन इसीलिए बताया था कि लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, तो ये सारे फंक्शन भी कौन करता है हमारे बॉडी में, कैसे होते हैं, तो ये सारे फंक्शन भी हमारे बॉडी में सेल के द्वारा होते हैं। तो दो पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है, और जो फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो किसके द्वारा होते हैं, सेल। तो दो तरह से सेल वर्क करता है, एक तो किस बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्म करता है, और सेकंड क्या करता है, उसके फंक्शंस को करता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यूनिट का मतलब है कि देखिए, यहाँ पे अगर हम मोती का माला ले लें, ठीक है, ये अब ये जो मोती का माला है, इस मोती के माले में एक यूनिट, एक क्या है, मोती है ना, एक मोती, और इसी ये मोती इस तरह से आपस में मिल के एक माला बनाती है। तो कह सकते कि इस माले का एक यूनिट क्या है, एक इकाई, मतलब एक सिंगल क्या है कि जिससे ये पूरा माला तैयार होता है, आप कहेंगे एक मोती, एक मोती की वजह से ये पूरा माला तैयार हुआ है। तो हमारी बॉडी जो बनती है वो किससे बनती है, सेल से। तो हमारी बॉडी का एक यूनिट क्या है, सेल है, ठीक है। तो हम इसीलिए, और हमारी बॉडी के ही वजह से जो हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो सेल के द्वारा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है, यूनिट है, जो एक छोटी इकाई, एक इकाई जो है वो क्या है, सेल है। सेल ही हमारे बॉडी के सारे काम करती है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स की छोटे से बड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटे जो हमें दिखाई नहीं देते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी किससे बने हैं, सेल से बने। व्हाट इज मोर, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ एज सेल, ठीक है। व्हाट इज मोर क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपनी लाइफ जो स्टार्ट करते हैं वो किससे स्टार्ट करते हैं, सेल से स्टार्ट करते हैं। सिंगल सेल फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल डेवलप, डिवाइड एंड रीडिवाइड।
जो सिंगल सेल्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल डेवलप करते हैं, मीन्स अगर आप कह सकते हैं कि एक ह्यूमन की बॉडी डेवलप करते हैं, एक सिंगल सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग, ठीक है, एक व्यक्ति, आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति भी कह सकते हैं या एक एनिमल कह सकते हैं, कि एक एनिमल का जो डेवलप होता है वो किसके द्वारा होता है, सिंगल सेल। कैसे, वह सिंगल सेल डिवाइड, री डिवाइड, डिवाइड 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 होते हैं। जैसे कि एक सेल है, डिवाइड होके वो दो सेल का फॉर्मेशन किया, फिर उनसे दो सेल बनते हैं। तो इस तरह से सेल डिवाइड 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 होकर के इंडिविजुअल डेवलप करते हैं। देन दीज सेल गेट डिफ्रेंशिएटेड इंटू डिफरेंट टाइप एंड फॉर्म टिश्यूज, और यह जो सेल्स होते हैं ये डिफ्रेंसिएट हो करके डिफरेंट टाइप, जैसे डिवाइड डिवाइड होते होते कई तरह से ये डिफरेंट हो जाते, और डिफरेंट होने के बाद ये फॉर्मेशन किसका करते हैं, टिश्यू का। टिश्यू तो अभी आप समझ गए हैं। यू मे रिमेम्बर डैट अ टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू क्या है, ये सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप है। जैसे देखिए यहाँ पे सेल हैं, कुछ सेल्स ऐसे हमने ले लिया, और ये ए टाइप का सेल है, ये भी ए टाइप का सेल है, ये भी ए टाइप का सेल है, ये भी, तो ये ए टाइप के जो सेल हैं ये सिमिलर हैं, एक तरह है, और ये मिल करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अब इधर सपोज ये बी टाइप का सेल है, ये भी बी टाइप का सेल है, ये भी बी टाइप का सेल है, तो ये सारे सेल ए से अलग है। ये जो बी टाइप वाले सेल हैं कि ए टाइप वाले से क्या है, अलग है, लेकिन ये आपस में अगर देखा जाए तो ये एक तरह है, तो ये मिल करके अलग टिश्यू का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डैट फॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। द टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, समझ में आ गया, टिश्यू जो होता है ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड स्लोली द इंडिविजुअल टेक्स इट, और उसके बाद टिश्यू जो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं स्लोली, वो एक इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल या कह सकते हैं एक पर्सन का क्या ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं, या एक एनिमल का शेप ले लेते हैं, या कह सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेप ले लेते हैं। एन ऑर्गन लाइक हर्ट इज ग्रुप ऑफ टिश्यू। अब हर्ट ऑर्गन है, तो हर्ट कैसे बना, जब टिश्यू जो थे वो टिश्यू का जब ग्रुप बना, टिश्यू का ग्रुप बना, तो वो हर्ट का फॉर्मेशन कर दिए। एट दैट वर्क टूगेदर टू फॉर्म वन या मोर फंक्शन इन द बॉडी या फन ऑर्गेनिज्म। द सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक। तो हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है या स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग बॉडी की। द टाइनिएस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टाइनिएस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टाइनिएस्ट ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या मेडअप ऑफ ओनली वन सेल, जो एक सेल से बने होते हैं। वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज इन द नेक्स्ट चैप्टर। ऑल द लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन आर कैरिड आउट बाई द सिंगल सेल इन दीज ऑर्गेनिज्म। जो सभी लाइफ प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन या डाइजेशन, ये सभी कैरी किए जाते हैं किसके द्वारा, सिंगल सेल के द्वारा कैरी किए जाते हैं ली ऑर्गेनिज्म में। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सभी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं, सिंगल सेल से। इन फैक्ट इट इज द सेल डैट कैरी आउट ऑल द फंक्शन। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि सेल ही है कि जो सारे फंक्शंस को क्या करता है, कैरी करता है, किसके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं, सेल के द्वारा। दिस इज व्हाई द सेल इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसीलिए सेल को फंक्शनल लाइफ का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है।